खाए जाओ खाए जाओ, बनाना चिप्स के गुनगाए जाओ। तो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए बनाना चिप्स लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत सिंपल है। ये मैंने कच्चा केला लिया है, इसे मैं आज आपको बनाना बताऊंगी। कच्चा केला सर्दियों में, सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले ही मार्केट में आ जाता है। तो ये देखिए, मैंने कच्चा केला ले लिया है और मैं इसमें नमक यूज करूंगी। मैंने नमक एक कटोरी में 1 चम्मच नमक ले लिया है और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका अच्छा सा घोल बना लूंगी, जिससे हमारा नमक अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें पानी में। अब इसे मैं एक साइड रख दूंगी। बनाना खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग नहीं खाना पसंद करते हैं, उनके लिए बनाना चिप्स के रूप में खाना उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए, ये एक कच्चा केला मैंने इस तरीके से चाकू की मदद से अलग कर लिया है और मैं अब इसका छिलका उतार दूंगी और फिर मैं इसके चिप्स बनाऊंगी। छिलका उतारने के लिए देखिए, आप चाकू से भी इस तरीके से उतार सकते हैं और मैं दूसरे तरीके से आपको पीलर से बताऊंगी। पीलर से मैं इस प्रकार से उतारूंगी और ये बहुत जल्दी उतर जाएगा इससे। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आप इसे उतार ही लीजिए छिलके को, चाहे चाकू की मदद से या फिर पिलर की मदद से, और इसे ऊपर और नीचे से भी कट कर देंगे, जिससे इसका जो भी खराब पार्ट है वो बाहर निकल जाएगा। देखिए, मैंने ऊपर से भी इसको कट कर लिया और नीचे से भी। अब चलते हैं हम इसमें बनाने, चिप्स बनाने के लिए। बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है और बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता। तो इसके लिए मैं दिखाऊंगी आपको। देखिए, मैंने अच्छे तरीके से उतार दिया है और इसे इंस्टेंटली इसीलिए बनाना है, एक 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 छिलके को आप बनाना। ये देखिए, मैंने तेल इसमें कढ़ाई में रख दिया है और उसके बाद मैं ये इससे पील करके और मैं इसमें डायरेक्टली कच्चे केले को इसी पे रखूंगी, नहीं तो केला काला हो जाएगा। और मैंने जो चिप्स मुझे बनानी है उसी केले को मैंने पील किया है, नहीं तो केला हमारा काला हो जाता है। बस इसको सीधा कढ़ाई पे रखिए और इस तरीके से इसे चिप्स के रूप में डाल दीजिए सीधा, जिससे हमारी चिप्स काली नहीं पड़ेंगी। और जैसे आपने नमक को पानी में घोला है, उस तरीके से आप उसके अंदर हल्दी भी पानी में घोल कर डाल सकते हैं इसमें। तो देखिए, पानी मैंने 1 चम्मच नमक का पानी इसमें डाला है। इसमें अच्छे से छींटे आएंगे, इसमें बहुत तड़कने लगेगा पानी गरम गरम तेल में जाने के बाद, लेकिन हमें जब तक इसका जो पानी है वो पूरी तरीके से नहीं जल जाता और हमारी चिप्स कुरकुरी नहीं हो जाती, तब तक हमें इसे अच्छे से पकाना है। और देखिए, हमारी चिप्स अच्छे से पक गई हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। बनाना चिप्स का खाने से हमारे शरीर में फाइबर की कमी पूरी होती है और फाइबर जो होता है वो हमारे बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और इससे कब्ज की समस्या जो होती है वो मतलब उसकी समस्या खत्म हो जाती है। अब ये देखिए, मैंने दूसरी चिप्स ले ली हैं, इन्हें भी मैं ऐसे कट करके डाल दूंगी जिस तरीके से मैंने पहले बनाए थे। और ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ऑयल सॉरी वो नमक का पानी इसमें ऐड किया है और ये भी हमारे चिप्स इसमें फिर से बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और इसी प्रोसेस को हमें हमारे पूरी चिप्स तक बनने तक करना है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका प्यार मिलता है तो मुझे काम करने में मदद मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज दोस्तों, आप मुझे आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। और ये देखिए, मैंने ये तीसरा केला ले लिया है, इसको भी मैं अच्छे से कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सारे चिप्स हमारे बन गए हैं। इस तरीके से आप अपने चिप्स बनाइए और अपने बच्चों को, अपने बड़ों को इसे खिलाइए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और आपने अगर ये चिप्स बनाया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज आप मेरे चैनल को, फिर से मैं बोल रही हूँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये देखिए, ये स्लॉट भी हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, क्रिस्पी हो गया है। मार्केट से आप कम ही चीजों लेके आइए और कम चीजों का यूज कीजिए, क्योंकि मार्केट में जितनी भी चीजें हैं वो हेल्थ के लिए बहुत बेकार होती हैं। तो ये हमारी चिप्स बनकर तैयार है, इसे खाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।